भाई मैं आया था भाई कैमरे वाले भाई के पास, और यहाँ पे शॉप में आया था तो भाई ने कैमरा परचेस किया है। तो भाई ये कौन सा किया आपने परचेस? जैसा कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे होने वाले इतने सारे कैमरे, और GoPro ये वाला 11 और 12 आपको आज की वीडियो में GoPro दिखने वाले हैं। और कटिंग कहाँ से होने वाली है बताओ? 7000 रुपए भाई स्टार्टिंग में। जैसे कि आप लोग देख रहे हो ये कैमरा होने वाला है, जो कि क्वालिटी वाइज देख रहे हो कितना बढ़िया लग रहा है। ये कैमरा 7000 में वर्थ इट है, मतलब पैसा वसूल है। कला है निकोन का D3100, इससे ऊपर का मॉडल होने वाला है, जो कि क्या प्राइस होगा उसका ही बताओ। भाई 12000 में, मतलब 12000 रुपीज में 12000 रुपए में आपको ये क्वालिटी मिल रही है। निकोन का D3200 तो है, मगर जितने भी आप लोग अभी दो कैमरे दिखाए ये बिगनर्स के लिए। क्वालिटी चेक करते हैं गाइस की क्वालिटी क्या होने वाली है। ओह गाइस क्या बताओगे? मात्र आपको 15000 का। भाई ओनली 15000 का है। मैंने आपको बताया था ना इंट्रो में कि भाई देखो 15 से 20 के बीच में बिगनर्स ले सकता है। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग होने वाला है कुछ मजेदार और कुछ हटके होने वाला है, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ कैमरा मार्केट। अब देखो कैमरे के सीजन आने वाले हैं, ठीक है। अब विंटर आ गई है, वेडिंग्स के लिए, व्लॉगिंग के लिए, जो भी बिगनर्स है ना, जो भी व्लॉगिंग कर रहा है वो कैमरे स्टार्टिंग कर सकता है। 10000 का हो चाहे वो 15000 का हो, वो उससे स्टार्टिंग कर सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि देखो महंगा कैमरा लेना। शुरू में आप लोग अगर स्ट्रगल कर रहे हो तो 10-15 हज़ार 20 तक का भी चल जाएगा। घर वालों को जीत करके ये मत बोलना कि मुझे ये वाला चाहिए, 50000 वाला चाहिए, मुझे लाखों वाला चाहिए। 10000 से भी स्टार्टिंग कर सकते हो। जब मैंने शुरू में व्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो मैंने भी अपने एंड्रॉयड फ़ोन का, वीवो फ़ोन था, उससे मैंने स्टार्टिंग की थी। उससे मैंने 10000-15000 सब्सक्राइबर किए थे, जो कि आप फैमिली हो मेरी, आप लोग देख रहे हो व्लॉग, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं यार महंगा स्टार्टिंग करो, कम से करो, फिर आगे ग्रोथ होगी तो परचेस करो फिर महंगा वाला, क्योंकि अर्निंग करोगे तो फिर आप परचेस भी कर लोगे, ठीक है। और उनके पास ना कैमरे एक से होते हैं, मतलब मजेदार कैमरे होते हैं, आपको मजा आ जाएगा देख के, ठीक है। और बाकी क्वालिटी तुम्हारे भाई ने चेंज कर दी है तो कमेंट बताना कि क्वालिटी कैसी लग रही है। और अभी मेरा एक्सीडेंट वगैरह भी हो गया था उस चक्कर में। और चलो भाई चल रहे हैं चांदनी चौक की मार्केट में। यो बाकी मजा आने वाला है गाइस, लाइक कमेंट शेयर भी कर देना। थोड़े से मैंने हेयर कट कराए थे, उसने थोड़े से बेकार कर दिए यहाँ से, कोई नहीं दोबारा बढ़ जाएंगे, अच्छा लगेगा। और बाकी तुम्हारे भाई ने फोन चेंज कर दिया गाइस, ठीक है। अब क्वालिटी अच्छी आएगी आपको, मैं बेस्ट क्वालिटी दूंगा, ठीक है। तो मिलते भाई जाके, लव यू ऑल। भाई मैं आया था भाई कैमरे वाले भाई के पास, और यहाँ पे शॉप में आया था तो भाई ने कैमरा परचेस किया है। तो भाई ये कौन सा किया आपने परचेस? D5600। तो भाई ने जैसे कि D5600 परचेस करा, तो भाई कितने का पड़ा ये? 38500 का पड़ा। तो भाई बढ़िया लगा, क्वालिटी बढ़िया लगी और रेट अच्छा लगा? भाई रेट वगैरह सही लगा। भाई कहाँ से आए हो तुम? यूपी से आए हो भाई? यूपी से। देखो भाई के पास कैमरा लेने आए थे, अंकल भी आए थे और ये भाई भी आए थे, तो भाई ने परचेस कर लिया है कैमरा, डब्बा पैक कैमरा दिया था ये देख लो, ठीक है। गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे होने वाले इतने सारे कैमरे, और यहाँ पे होने वाला है GoPro 12 भी होने वाला है। और कौन सा GoPro है भाई? GoPro ये वाला 11 और 12 आपको आज की वीडियो में GoPro दिखने वाले है, और एक्शन कैमरा भी दिखने वाला है। और स्टार्टिंग रेंज किससे होने वाली भाई? स्टार्टिंग रेंज भी 7000 भाई, 7000 से स्टार्टिंग रेंज होने वाली है कैमरास की। और भाई देखो वेडिंग्स वगैरह स्टार्ट होने वाली है, विंटर आने वाली है। देखो विंटर में तो पता है शादी भी बहुत काम होता है, ठीक है। और व्लॉगिंग के लिए, फोटोग्राफी के लिए, जो भी बिगनर्स है, जो भी व्लॉगर बनना चाहता है, जो भी फोटोग्राफर बनना चाहता है, उनके लिए आज की वीडियो में मैं आपको कैमरास वगैरह दिखाने वाला हूँ, वो भी चीपेस्ट रेट में, बढ़िया रेट होने वाला है। मतलब चांदनी चौक में आ रखा हूँ मैं, और चांदनी चौक में ना बहुत सारी मार्केट है, मगर मैं आपको बताऊंगा कि चांदनी चौक में एक बार इनके पास आना, एसपी कैमरे वाले के पास एक बार आप लोग विजिट करना, आपको क्वालिटी वाइज बेस्ट मिलेगा कैमरा, ठीक है। तो मिलवाता हूँ सबसे पहले एसपी भाई से। और एसपी भाई कैसे हो? बढ़िया। तो ये है एसपी कैमरा वाले भाई। और भाई सबसे पहले लोकेशन बताओगे क्या होने वाली है? भाई लोकेशन हमारी दिल्ली चांदनी चौक, नियरेस्ट बाय लाल किला। ओके। एसबीआई बैंक है ठीक उसके सामने, जस्ट शॉप है हमारी स्प्लेंडर रोड चांदनी चौक। चांदनी चौक होने वाला है। अगर कोई कस्टमर आता है तो अगर उनको एड्रेस नहीं पता है, चांदनी चौक में आके आप पिकअप कर लोगे? हाँ जी भैया, पिकअप करेंगे, पूरा गाइड करेंगे, पूरा गाइड करेंगे आपको, ठीक है। और जो भी बिगिनर्स होगा ना, आपको मैं आज के कैमरे दिखाने वाला हूँ, बिल्कुल बढ़िया, रुकना कहीं, जाना मत, स्किप मत करना। स्किप करोगे आपका फायदा और आपका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि स्किप करोगे तो देखो जो चीज बढ़िया चीज होगी वो स्किप कर दोगे तो मजा नहीं आएगा। स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना और लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना मेरे चैनल को। स्टार्टिंग कहाँ से होने वाली है बताओ? 7000 रुपए से। भाई स्टार्टिंग में जैसे कि आप लोग देख रहे हो ये कैमरा होने वाला है, जो कि क्वालिटी वाइज देख रहे हो कितना बढ़िया लग रहा है ये कैमरा। और इसका लेंस के स्क्रैच वगैरह तो नहीं है? नहीं भैया स्क्रैच नहीं है। एक बार दिखा दो पब्लिक की बेफिक्र आके ले। ओए होए लेंस की क्वालिटी देख रहे हो गाइस कितनी
इतनी बढ़िया है। और ये पेंट पॉलिश का काम तो नहीं करते भैया? जो होगा जेन्युइन देंगे, पेंट पॉलिश वाला काम नहीं हमारे। अच्छा, जो देंगे जेन्युइन देंगे, पेंट पॉलिश का कोई काम नहीं होता। जैसे कि आपको मैं सामने से दिखाता हूँ, अगर जूम करके ये देखो क्वालिटी, अगर चेक करा दो क्वालिटी कैसी होने वाली है भाई। एसपी भाई, अगर भाई मेरी फोटो खींच रहे की कैसी आती है। ओके, एक बार देखते हैं क्वालिटी। ये भैया का आईफोन नया 16। ये 16 तुम्हारे भाई ने ले लिया है, तो क्वालिटी में देखो भाई चेंज करना था एसपी भाई, तो तभी लिया है। तो तुम्हारे भाई का कुछ फेस इस टाइप का आ रहा है, थोड़ा सा फनी टाइप का, ठीक है। क्वालिटी वाइज बिल्कुल सही है, 7000 में वर्थ इट है, मतलब पैसा वसूल है, ठीक है। 1000 रुपए का लेके जाओ, 1000 रुपए प्रिंट दे कर आओ भाई। देखो 7000 रुपए में लेके जाओ और फोटोग्राफी कर सकते हो। ये वीडियो वीडियो ओनली फोटो, ओनली फोटोग्राफी है। 7000 में लेके जाओ और खूब कमाओ। इसके बाद कौन सा रेंज होने वाला है? अगला आता भैया निकॉन का D3100, इससे ऊपर मॉडल होता है भाई। देखो अगला है निकॉन का D3100, इससे ऊपर का मॉडल होने वाला है, जो कि क्वालिटी वाइज देख रहे हो कितना बढ़िया लग रहा है। बाकी लेंस देखो भाई, लेंस में कोई स्क्रैच नहीं मिलेंगे, ये ना डस्ट है थोड़ा। और मेंटेन करके रखते हैं जितने भी आप लोग ये कैमरे देख रहे हो। और क्या प्राइस होगा उसका ये बताओ? ये मात्र में आपको मिल जाएगा 12000 रुपए भाई। 12000 में मतलब 12000 रुपीज में 12000 रुपए में आपको ये क्वालिटी मिल रही है, ठीक है। और इसकी वारंटी गारंटी कुछ बताओगे मेरे को? 2 ईयर सर्विस वारंटी देते हैं हम। अच्छा 2 ईयर्स, मतलब 2 साल की वारंटी गारंटी होने वाली है गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। निकॉन का D3200, ये निकॉन का D3200 तो है, मगर जितने भी आप लोग अभी 2 कैमरे दिखाए, ये बिगनर्स के लिए, तो मतलब ऊपर रेट बढ़ता रहता है, हाई लेवल पे भी जाता है ना। उससे ऊपर मॉडल आया था 3100, अच्छा ये 3100 था, ये 3200 है, ठीक है। अगर 3200 की क्वालिटी चेक करके देखते हैं कि कैसी होने वाली है। अभी भाई फोटो क्लिक कर रहे हैं। ओके, अगर क्वालिटी चेक करते हैं गाइस की क्वालिटी क्या होने वाली है। ओह वाओ भाई, क्वालिटी में फर्क है। ये देखो, ये देख लो भाई, ग्रीन्स बिल्कुल नहीं फट रहे हैं और क्वालिटी बढ़िया है गाइस, जैसे मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो एक मिनट, ये देखो क्वालिटी बेस्ट है गाइस। क्वालिटी को मैं ये नहीं बोलूंगा कि बेकार क्वालिटी है। अगर क्वालिटी मुझे बेकार लगेगी या डार्क लगेगी, मैं मुंह पे बोलूंगा जो चीज है भाई जेन्युइन वीडियो बनाओ, फेक का कोई काम नहीं है भाई, ठीक है। पब्लिक को उल्लू बनाना हमारा काम नहीं है, ठीक है। पब्लिक को जो चीज दिखाओगे बढ़िया चीज दिखाओ। खराब चीज पैसे देखे जाता है, अच्छी चीज देखा जाता है, खराब चीज खराब के लिए चीज नहीं देखा जाता, ठीक है। एक्स्ट्रा माइक भी लग जाएगा, एक्स्ट्रा माइक भी इसमें, ठीक है। तो इसका प्राइस क्या बताओगे? मात्र आपको 15000 रुपए का मिल जाएगा भाई, ओनली 15000 का है। मैंने आपको बताया था ना इंट्रो में कि भाई देखो 15 से 20 के बीच में बिगनर्स ले सकता है। घर वालों को ये मत बोलना कि यार कि मेरे को 30-40 हजार वाला कैमरा चाहिए। अगर वो स्टार्टिंग कर रहा है, अगर बजट नहीं है, तो वो ले सकता है यार वाला 15000 वाला, ठीक है। और क्या दिखा रहे हो? अगला आता है निकॉन का D3400 भाई। D3400 जैसे कि देख रहे हो कंडीशन बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल जेन्युइन है, और पेंट नहीं किया, पेंट पॉलिश वाला माल नहीं है। मैं पेंट पॉलिश होता ना, मैं मुंह पे बोलता सीधा, मुंह पे ऑन द स्पॉट बोलता कि भाई पेंट पॉलिश का काम है, मगर नहीं है, जो है नेचुरल है। मेरे सामने देख रहे हो, ये देखो आपके सामने भी है और मैं अपने सामने भी देख रहा हूँ। और बाकी वीडियो फोटो दोनों होने वाला है, और लेंस में कोई स्क्रैच नहीं है। मैं आपको लेंस दिखाता हूँ, लेंस कितने प्यारे हैं। अभी ये लेंस में, ये अगर ये लेंस साफ करना दोबारा से, अगर मैं आपको लेंस दिखाता हूँ कि लेंस कैसा होने वाला है, लेंस में स्क्रैच है या नहीं है। ये देखो, ये दिखाओ जूम करके, लेंस देखो कितना प्यारा लेंस है। और ये देखो DSLR की पहचान ये होती है ना, तो ये होती है। क्या प्राइस लगाओगे इसका? ये मात्र आपको मिल जाएगा 22000 भाई, 22000 का, 22000 में, ठीक है, वर्थ इट है 22000 में। इतना तो ले ही सकता है यार जो भी अभी बिगिनर्स है, जो अभी स्टार्ट कर रहा है। एसपी भाई और क्या दिखाओगे ये बताओ? अगला आया था भैया निकॉन का D3500 भाई, D3500 निकॉन का, जैसे कि देख रहे हो चमक देखो, क्वालिटी देखो, और सच में यार जो है जेन्युइन होने वाला है। तो क्या प्राइस लगाओगे इसका? आपको मात्र मिल जाएगा 25000 रुपए भाई, 25000 का, 25000 में आपको ये वाला कैमरा मिलने वाला है, जो कि इसके मोड्स वगैरह भी बहुत अलग है गाइस। और इसमें वाईफाई है? वाईफाई है इसमें, वाईफाई भी आपको मिल जाएगा। और उसमें क्या क्या चीज है बताओ? फंक्शन फोटो वीडियो दोनों है, फोटो वीडियो दोनों है, ठीक है। आउट ऑफ फोकस वीडियो है, ऑटो फोकस वीडियो भी होने वाला है, सबसे बड़ी बात है। और गाइस ये बताओ कि मुझे प्राइस क्या इसका? 25000 पर 25000 का मिल जाएगा आपको, जो कि आपके सामने ही है, क्वालिटी देख लो, ठीक है। और इसमें बॉक्स पैक भी होंगे, आपको बॉक्स पैक मिल जाएंगे। बॉक्स पैक में ये देखो भाई D3500 ओपन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। बॉक्स में और इसमें क्या फर्क है? ओपन बॉक्स होते हैं जो हमारे कंपनी के डेमो पीस होते हैं ना, वो आते हैं, और जो डेमो पीस आते हैं, ठीक है। ये वाला डेमो पीस है, ये सेकंड है यूज है, ओके। ये ब्रांड न्यू पीस होते हैं भाई, और ये होते हैं देखो सेकंड हैंड होते हैं, मगर सेकंड हैंड में ये होता है कि जिसका बजट नहीं होता वो सेकंड हैंड खरीदता है, और जिसका बजट होता है वो थोड़ा बजट बढ़ाता है, वो खरीदता है बॉक्स में, अच्छी चीज लेके जाता है। मगर यार कर सकते हो यार, मेहनत करने वाला इससे भी कर सकता है, क्यों भैया वो चीज भी है। और क्या दिखा रहा हूँ बढ़िया चीज ये बताओ?
और भैया ये आ जाता है देखो निकोन का D5100 जिसमें फ्लिप डिस्प्ले बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में। ओके निकोन का D5100 जो कि देख लो फ्लिप डिस्प्ले होने वाली है, फोटो वीडियो दोनों प्लस एक्स्ट्रा माइक सब कुछ है, सब कुछ फंक्शन होंगे इसमें। ठीक है कोई भी बिगनर्स आ रहा है, कोई भी मेरी वीडियो के थ्रू आ रहा है उनको फंक्शन अच्छे से बताना, चाहे वो बिगनर हो चाहे कैसा भी हो, डिस्काउंट भी दे देना। ठीक है थोड़ा सा टाइम निकाल देना मेरे चैनल से जो विजिट कर रहा है और डिस्काउंट बढ़िया रखना। ठीक है तो क्या प्राइस इसका भाई? ये आपको मात्र मिल जाएगा 23,000 भाई, 23,000 का D5100 जो की क्वालिटी आपके सामने ही है, बिल्कुल जेन्युइन कैमरा है गाइस। ठीक है ये देखो, और कुछ लोग पता है कमेंट में क्या कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि यार तू बस क्वालिटी बढ़िया बढ़िया बोलता रहता है। अरे मेरे को जो चीज बढ़िया लग रही है वही तो मैं बोलूंगा यार, भाई बढ़िया है तो बढ़िया बोलेंगे, खराब है तो खराब बोलेंगे। मैं अगर मेरे को कुछ खराब दिखे कि भाई ये थोड़ा खराब है यार, ये थोड़ा पुराना है, जो चीज क्वालिटी बढ़िया है वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है तो 23,000 मतलब 23,000 में आप ये वाला कैमरा ले आ सकते हो D5100। ओके और कौन सा दिखा रहे हो? ये भी D5100 है इसमें। अच्छा हाँ 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 ये चीज का मुझे फर्क बताओ कि यार ये भी D5100 है और ये भी D5100 है, ये मगर थोड़ा ओल्ड है। ये आपको मात्र मिल जाएगा 18,000। 18,000 का मतलब रेट में भी फर्क है और क्वालिटी में भी फर्क है। ओके 5,000 का डिफरेंट है इसमें। ओके तो देख लो भाई इसकी क्वालिटी देखो, भी कस्टमर ये ना सोचे कि रेट ज्यादा है, रेट इसलिए ज्यादा है कम कंडीशन की वजह से, कंडीशन के वजह से 18,000 रुपए, इसका रेट 23,000। 23,000 रुपए और आपके सामने मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, रुक जाओ। फर्क देख रहे हो क्वालिटी का फर्क देखो, उसका देखो और इसका देखो कितना अंतर है दोनों में। ये देख रहे हो, ये देखो सामने से करने के बाद सामने ये देखो कितना अंतर है। तो ये चीज है, रेट का भी फर्क है और क्वालिटी का भी फर्क है। ठीक है और कैमरे का भी फर्क है। तो और क्या दिखा रहे हो? अगला आता है निकोन का D5100। ये D5100 इससे ऊपर मॉडल होने वाला है, फोटो वीडियो दोनों प्लस एक्स्ट्रा माइक, एक्स्ट्रा माइक होने वाला है। तो ये वेडिंग्स वगैरह में यूज कर सकते हैं बंदे ना, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप। व्लॉगिंग के लिए बढ़िया, अगर व्लॉगिंग करके दिखाना कैसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। ये देखो, ये देखो जैसे कि भाई कर रहे हैं व्लॉगिंग करके, ये रखना बिल्कुल अपने फेस के पास रखना। देखो जैसे कि देख लो व्लॉगिंग के लिए कितना कंफर्टेबल है, इसलिए कंफर्टेबल है। देखो यहाँ से पकड़ दो, पकड़ने पर व्लॉगिंग के लिए इसलिए कंफर्टेबल है सबसे बड़ी बात, ये देखो। और यहाँ पे वो भी लगा सकते हैं ना, गिम्बल भी लगा सकते हो, गिम्बल भी लगा लो, माइक लगा लो, माइक लगा कुछ भी लगा लो आप, यहाँ पे माइक लगा लो ऊपर की साइड, नीचे गिम्बल लगा लो अगर बिना गिम्बल के करना चाहते हो। हे गाइस सो वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग होने वाला है बहुत तड़कता भड़कता और मस्त, तो लाइक कमेंट शेयर भी कर देना कितना कंफर्टेबल है और सामने स्क्रीन दिख रही है, ये चीज का ही फर्क है बिल्कुल भी। तो कितना होगा एसपी भाई इसका प्राइस? आपको मात्र मिल जाएगा 26,000 भाई, 26,000 का बजट लेवल, मतलब आपको बता रहे अभी प्राइस जितना भी बताया ना यहाँ से लेके यहाँ तक बजट लेवल है, मतलब बजट में आपके। ठीक है अल्ट्रा को फेल कर देगा जैसे कि भाई ने निकाल दिया, बहुत तड़कता भड़कता कैमरा। निकाल दो यार। ओए होए गाइस क्वालिटी चेक करो कितनी प्यारी क्वालिटी है और कंडीशन देखो, ये अभी छोटा लग रहा है ना, हाँ अभी और बड़ा हो जाएगा। ओए होए क्या ओ तेरी ओए भाई क्या मतलब इसका लेंस, ये लेंस है ना, लेंस है भाई, लेंस देखो कितना आगे निकला है, यहाँ से देख भी नहीं पाओगे आप, इसके आगे जगह नहीं है, नहीं तो मैं आपको पूरा चांद दिखाता। ये देखो दुकान के अंदर के पूरे, ये देखो भाई जूम देख रहे हो, जूम ये वहां सामने देखो आपका यहाँ से दिख भी, ये देखो वो देख रहे हो, जूम करके दिखाता हूँ दुकान कहाँ है, उधर है, और ये देखो कितना फर्क है गाइस, बहुत फर्क है। तो इसका 120x जूम होने वाला है ना, 120x ओके अल्ट्रा में 100x इसका 125x। भाई क्या प्राइस होगा इसका? ये मात्र आपको मिल जाएगा 45,000। 45,000 का, तो इससे तो व्लॉगिंग नहीं कर सकता कि वाइल्ड ग्राफिक के लिए जो एनिमल्स वगैरह होते हैं, ज्यादातर ये आर्मी के लोग ले जाते हैं, आर्मी वाले ले जाते हैं ना, तो ज्यादातर वो मतलब डिमांडिंग आर्मी वालों के लिए है, डिमांडिंग आर्मी वाले के लिए, पर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए भी, वाइल्ड लाइफ ना वो भी इसके लिए बढ़िया है। 1.5 किलोमीटर की जूमिंग है इसकी, ओ भाई साहब 1-2 किलोमीटर की जूमिंग, तो बहुत बड़ा लेंस देख रहे हो कितना चमक रहा, और लेंस देखो कितना बड़ा है यार। ये देखो भाई GoPro जो की भाई मोटो व्लॉगिंग के लिए और तुम्हारा पानी में वाटर प्रूफ वगैरह से व्लॉगिंग भी, ओ ओ क्या बात है यार, GoPro हो तो ऐसा ओपन बॉक्स मिल जाएगा GoPro जो कि भाई क्वालिटी वाइज है बढ़िया। अभी भी इसकी ये चिप जो भी बोलते हैं पैक है पूरा, ठीक है, और इसके साथ आपको मिल जाएगा ये गिम्बल जो कि ये गिम्बल होने वाला है ओरिजिनल और बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है और कंफर्टेबल है, स्पॉन्ज वाला गिम्बल है, ठीक है, और बाकी इसके माउंट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, बाकी इसकी बेल्ट्स वगैरह मिल जाएंगी। तो क्या प्राइस है इसका? ये आपको मात्र मिल जाएगा 32,000 का। 32,000 का मतलब ये कौन सा 12 है? 12 ये ओपन बॉक्स है, अगर नया लोगे तो 50,000 का। तो नया भाई 50,000 का पड़ रहा है 12, तो भैया आप कितने का दे रहे हो?
32,000 का दे रहे हैं भाई, नया देख लो, अगर नया ऑनलाइन चेक कर लो भाई, नया मतलब शोरूम में कहीं भी चेक कर लो, महंगा ही पड़ेगा, मगर उससे सस्ता रेट दे रहे हैं आपको बेस्ट क्वालिटी में, ठीक है। ये तो दिखाओ मेन चीज, तो गोप्रो दिखाओ भी थोड़ा, गोप्रो में भी बातचीत अलग है यार, गोप्रो देखने में मजा अलग है। ओए होए चेक कर रहे हो गाइस, ये वाला कौन सा है? 11 भाई, गोप्रो 11 मिल जाएगा आपको, विद पैक मिलेगा आपको, स्क्रीन वगैरह देख रहे हो सब वाइट से ढकी पड़ी है, बाकी इसके साथ थोड़े माउंट्स वगैरह मिल जाएंगे और इसके साथ आपको ये बैटरी भी मिल जाएगी, ठीक है। तो क्या रेट लगाओगे इसका? 26 मतलब 26,000 में आपको ये वाला गोप्रो मिल जाएगा, सबसे बेस्ट और बेस्ट कंडीशन में मिल जाएगा, ठीक है। ये निकोन में थे, अब आगे कैनन में, ठीक है। कैनन का 550 भी आ जाता है, ये भी फोटो वीडियो दोनों प्लस एक्स्ट्रा माइक है। अच्छा, फोटो वीडियो दोनों है और प्लस एक्स्ट्रा माइक भी होने वाला है, जैसे कि देख रहे हो अभी ना ये डस्ट लगे पड़े, डस्ट की वजह से आपको लेंस में थोड़ा वो होगा, अभी क्लियर हो जाएगा ना, देखो क्लियर हो रहा है ना, कितना बढ़िया लग रहा है। तो इसका क्या प्राइस लगाओगे? ये आपको मैं दे दूंगा 20,000 भाई, 20,000 का, 20,000 का आपको निको कैनन में कैमरा मिल रहा है, जो कि क्वालिटी वाइज देखो, चमक देख रहो, शाइनिंग देखो कितनी बढ़िया शाइनिंग है, एक बार चेक करवा दो। लेंस में थोड़ा वो है, डस्ट लगी पड़ी है, लेंस थोड़ा सा क्लियर कर देना, क्लियर नहीं क्लीन कर देना। ओके, अब मेरी फोटो खींचने जा रही है, देखते हैं कि कैसे खींचेगी फोटो। ओके चलो, यो भाई मेरे पसीने देख रहे हो भाई साहब, मेरे पसीने देख रहे हो, अभी लाइटिंग कम है, ब्राइटनेस भी बढ़ा सकते हो, अभी लाइटिंग कम है, ब्राइटनेस भी, ब्राइटनेस बढ़ाना। अब देखते हैं कि को ओ भाई साहब देख रहे हो कितना फर्क है भाई, ये मेहनत है, पसीने निकल रहे हैं, ठीक है। ये देखो भाई, एक एक चीजें दिखा रही है भाई साहब, बहुत तगड़ा कैमरा है ये देखो। क्या बताया था प्राइस? 20,000 भाई, 20,000 में बेस्ट क्वालिटी है, 550D कैनन का, 550D है, 20,000। और अगर ये 20,000 का दे रहे, डिस्काउंट दोगे इसमें? डिस्काउंट, चलो डिस्काउंट कर देंगे, अगर ये 20,000 का दे रहे ना, डिस्काउंट कर देंगे, जल्दी स्क्रीन शॉट करो और कॉल कर दो जल्दी तुरंत। और क्या दिखा रहे हो? कैनन का 750D भाई, 750D जैसे कि कैनन का फ्लिप फोकस वीडियो प्लस टच है, ओके, वाईफाई है, सारी चीजें आपको मात्र मिल जाएगा 30,000 का भाई, मात्र 30,000 का ये वाला कैमरा मिलने वाला है, जिसमें आप वेडिंग व्लॉगिंग फोटोग्राफी सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। कैनन का 77D है, कैनन का 77D होने वाला है, जो कि क्वालिटी वाइज बिल्कुल बढ़िया है। तो उसका प्राइस बताओगे? ये मात्र 32,000 का भाई, 32,000 का ये वाला कैमरा पड़ जाएगा। और मुझे ये बताओ कि बॉक्स दिखाओ, आप बताओ कौन सा दिखा दो, कोई सही बॉक्स दिखाओ, बढ़िया वाला दिखाओ, मस्त वाला, मिररलेस, क्योंकि देखो ये सारे ओपन बॉक्स है, अब पब्लिक को देखना है बॉक्स पैक, कि बॉक्स पैक में कितना प्राइस होता है। ये मिररलेस होने वाला है M50 M50 Mark II, और ये डिमांडिंग है, आज के लेटेस्ट है, लेटेस्ट मॉडल है ये वाला, मॉडल है भाई, लेटेस्ट मॉडल होने वाला है, देखते हैं कि लेटेस्ट मॉडल में क्या फर्क है, क्या हुआ है, वारंटी कार्ड वगैरह सारी चीजें मिल जाएगी आपको। ये देखो कार्ड, इसकी बुक्स वगैरह भी है अंदर, देखो ओए होए, जब ये कैमरा खुलता है ना, अनबॉक्सिंग होता है, जब अलग ही मजा आता है। ये देखो कैमरा देख रहे हो, ये लाइट वेट है, अभी अभी लेंस जलती थोड़ा सा हैवी होगा, मगर इतना भी हैवी नहीं होगा, ठीक है। क्वालिटी देखो गाइस, मिररलेस, कितनी प्यारी क्वालिटी है यार, कैमरा हो तो ऐसा, ठीक है। ये देखो मिररलेस होने वाला है, जैसे इसका लेंस देखो कितना बढ़िया लग रहा है। तो क्या प्राइस लगाओगे इसका? ये आपको पड़ जाएगा 44,000 का पड़ जाएगा ये वाला। तो एक बार मेरे को बता दो कहीं और का प्राइस, एक बार भाई जो बताना जेन्युइन बताना। मार्केट में जाओगे तो आपको 48 का मिलेगा, 47 का मिलेगा, हाँ कम का भी मिल जाएगा, लेकिन वो कंडीशन डाउन पीस, कंडीशन डाउन पीस होगी, होती है ना रबड़, इसका सारा मेन रबड़ पे खेल होता है। ओके, जैसे कि ग्लू होगी आपको 35 का मिल जाएगा। ओके, ये देख रहे हो रबड़ देखो, बिल्कुल इसकी रबड़ बिल्कुल ओके है, ये देख रहे हो, ये जैसे हम पकड़ते हैं ना, जैसे ब्लॉगिंग के लिए निशान पड़ जाते हैं नाखून से ना हमारे यहाँ, अच्छा अच्छा, निशान दिख जाएंगे, निशान दिख जाएंगे, सस्ता मिल जाएगा, सस्ता मिल जाएगा, अभी कोई निशान नहीं है, तो ब्रांड न्यू पीस, अभी तो ब्रांड न्यू बिल्कुल ओपन, सील पैक लोगे तो 60,000 का मिलेगा, सील पैक लोगे तो 60,000 का मिलेगा, लेकिन सील खोलने के बाद इसकी वैल्यू वही आ जाएगी, जो आप जैसा कैमरा निकालोगे अभी वैसा ही आपको सील पैक में भी वैसा ही मिल जाएगा। तो क्या प्राइस लगाओगे इसका? 44,000 भाई, 44,000 में ये वाला कैमरा आप लोग ले जा सकते हो, ठीक है। एसपी भाई लेंस के जो प्राइस क्या होने वाले? ओके, 7,000 से लेंस की स्टार्टिंग हो जाती है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो उनका आता है 55-250 लेंस, ओके, जो कि हमारा ये 18-55 होता है, उससे बड़ा लेंस होता है, ठीक है, 55-250 आपको मात्र मिल जाएगा 7,000, 7,000 का मतलब 7,000 से स्टार्टिंग है भाई लेंस की। तो एंड करते हैं, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे, तो डू लाइक कमेंट शेयर माय सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।